एक नया और एक्साइटिंग वीडियो में दोस्तों आप सबका स्वागत है। तो मैं फिर से आज एक नया टाइप का मोटर को लेकर आ गया हूँ दोस्तों। तो ये वाला जो मोटर आप लोग देख रहे हो, ये आपका स्क्वायर गियर बॉक्स मोटर दोस्तों। ये गियर मोटर है एंड 10 RPM का गियर मोटर है, 10 RPM का, ठीक है। 12 वोल्ट गियर मोटर है, 10 RPM का। एंड इस मोटर का ये खासियत है कि इसका जो टॉर्क होता है ना दोस्तों, वो बहुत ही ज़्यादा होता है। मैक्सिमम जो टॉर्क होता है, स्टॉल टॉर्क जिसको बोलते हैं, मैक्सिमम टॉर्क जो मोटर लिफ्ट कर सकता है वो है दोस्तों 85 kg, ठीक है। 85 kg का इसका टॉर्क है। तो जैसा कि देख रहे हो दोस्तों, मोटर बहुत ही ज़्यादा हेवी है, मतलब वेट भी इसका बहुत ही ज़्यादा है। तो चलिए इस वीडियो में इसका पूरा आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा कि मोटर कैसा है, कितना कारेंट लेता है, नहीं लेता है, पूरा डिटेल्स में बात करेंगे। एंड इसके अंदर में जो गियर बॉक्स है वो भी दोस्तों आप लोगों को ज़रूर से दिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो पर बने रहिएगा, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो दोस्तों इसको चलाने के लिए देखिए, मैं इधर पर एक लेड एसिड बैटरी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप चाहे तो लिथियम बैटरी का इस्तेमाल कर सकते हो। तो पहले तो देखिए, बैटरी से मोटर को लगाने के लिए मैं पहले इधर पे मोटर का दो टर्मिनल है वो लगा देता हूँ, ठीक है। स्क्वायर गियर बॉक्स से तो मुझे पकड़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और इधर पे मैं बैटरी से कनेक्ट करता हूँ। तो ये देखिए, जैसा कि देख रहे हो दोस्तों, इसका जो शाफ्ट है वो बहुत ही स्लो रोटेट कर रहा है, क्योंकि 10 RPM का है। और ऑब्वियसली हाथ से पकड़ने से तो कोई इफेक्ट होगा नहीं, क्योंकि 85 kg का इसका टॉर्क है। इसका जो दोस्तों इसका बेस मोटर है ना, वो है आपका 555 वाला बेस मोटर। मगर डिफरेंस क्या है दोस्तों, हम लोगों का नॉर्मल जो मोटर रहता है उसमें होल रहता है एयर गैप के लिए, इसमें नहीं रहता। ये थोड़ा हाई स्पीड वाला मोटर होता है एंड क्वालिटी अच्छा रहता है। एंड इसका और एक दोस्तों जो अच्छी बात है, इसका बैक एंड पे भी शाफ्ट जो है, मतलब बोट एंड पे शाफ्ट है इसका बैक एंड पे, तो शाफ्ट आप इजीली रोटेट कर सकते हो हाथ से, ठीक है। ये सब दोस्तों इसलिए दिया जाता है कि किसी किसी को, मतलब वो एनकोडर बिठाना होता है मोटर के ऊपर, ताकि वो आर्डुइनो से इजीली कंट्रोल कर पाए, मतलब इसका पूरा पोजीशन कंट्रोल कर पाए। तो एनकोडर अगर बैठाना है तो ये मोटर एकदम सूटेबल है उसके लिए, क्योंकि एनकोडर के लिए पीछे में थोड़ा सा शाफ्ट होना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो अभी चलिए इसका करेंट कंजम्पशन मेजर करते हैं। तो दोस्तों अभी देखिए, मैंने मल्टीमीटर के साथ कनेक्ट कर दिया इस आपका मोटर को, एंड 10 एम्पीयर प्रोब में कनेक्ट किया है। तो इसको बस टच करूँगा तो देखिए करंट जो आ रहा है 300 mA। तो चलिए थोड़ा सा हाथ से पकड़ के देखते हैं, करंट में ज़्यादा इफेक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि 10 RPM पे ना इसका जो मैं हाथ से पकड़ रहा हूँ वो लोड कुछ भी नहीं है इसके लिए। ठीक है दोस्तों, इस मोटर का जो मैक्सिमम लोड का है ना वो आप तो 3 एम्पीयर तक है। तो आप अगर 12 वोल्ट 3 एम्पीयर का अडेप्टर यूज़ करेंगे तो इसके लिए एकदम सूटेबल होगा अच्छे से, नहीं तो ज़्यादा पावर के लिए दोस्तों आप लोग 5 एम्पीयर का अडेप्टर यूज़ कर सकते हो। एंड इसके लिए जो स्पीड कंट्रोलर सूटेबल होगा वो है 5 एम्पीयर का स्पीड कंट्रोलर। तो मैं पहले थोड़ा डायमेंशन आप लोगों को दिखा देता हूँ, जो लोग इसको इस्तेमाल करेंगे उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होगा। इधर पर देखिए, जो इसका शाफ्ट डाया है वो है दोस्तों आपका पक्का 8 mm का शाफ्ट डाया। एंड दोस्तों शाफ्ट के अंदर एक होल भी दिया हुआ है इजिली। एंड दोस्तों स्क्वायर गियर बॉक्स को कनेक्ट करने के लिए देखिए, इधर पे 4 होल दिया हुआ रहता है, जहाँ से आप नट बोल्ट लगाइए या स्क्रू से भी लगा सकते हैं इजीली। इसका चौड़ाई आपको मेजर करके बोलता हूँ, रुकिए, जो टोटल चौड़ाई है वो है दोस्तों 70 mm का टोटल। और ये स्क्वायर गियर बॉक्स है तो दोनों साइड पर सेम ही होगा, 70 mm। गियर बॉक्स का जो थिकनेस है आपका वो है आपका 16 mm का थिकनेस है। एंड ये रहा बेस मोटर का डायमीटर आपको मेजर करके बताओ, विथ मैग्नेटिक सील अगर देखेंगे तो डायमीटर वो आपका 37 mm डायमीटर। एंड फुल लेंथ हो गया आपका 78 mm, ठीक है, 78 mm फुल लेंथ है। तो चलिए अब इसका गियर बॉक्स को ओपन करते हैं, अंदर का थोड़ा हिस्सा देखते हैं कैसा है। दोस्तों आप लोग जब भी गियर बॉक्स को ओपन करें तो बहुत सावधानी से कीजिएगा, ताकि एक भी गियर इधर उधर ना हो। यार बस देखिए अंदर का हिस्सा भाई, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ही ज्यादा कमाल का हिस्सा है। तो इधर पे कितना गियर दिया हुआ है मैं आपको बोलता हूं,
तो अभी चलिए थोड़ा गियरबॉक्स को समझ लेते हैं। देखिए ये आपका बेस मोटर हुआ, बेस मोटर का गियर ये वाला देख रहे, छोटा वाला एक गियर है इधर पे, एक छोटा वाला ये आपका मोटर का गियर है, ठीक है। इसमें से पहले तो इस गियर में रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। इससे ये वाला मैं थोड़ा सा मोटर को घुमाता हूँ, इससे इसमें रिडक्शन हुआ, फर्स्ट टाइम रिडक्शन हो रहा हुआ, ठीक है। इसके ऊपर देखिए ये वाला गियर है, ये गियर ये गया सेम लाइन पे अटैच है, इसके साथ इधर पे जा रहा है, तो इधर पे सेकेंड बार गियर, सेकेंड टाइम गियर रिडक्शन हुआ। तो पहले बार इधर पे हुआ, देन इससे इस गियर में सेकेंड टाइम रिडक्शन हुआ, अभी इस गियर से इस गियर में हुआ, ये दोनों गियर सेम शाफ्ट पे है, तो इधर पे थर्ड टाइम गियर रिडक्शन हो रहा है, मतलब स्पीड रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। ये वाला गियर से इसके नीचे देखिए गियर दिया हुआ है, इसमें से इसमें रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। ये गियर मतलब एक्चुअली उल्टा है, इसमें जैसा कि बड़ा वाला नीचे छोटा वाला ऊपर होता है ना, तो इस गियर में छोटा वाला नीचे बड़ा वाला ऊपर में हुआ, तो इसमें फिर से इस गियर में रिडक्शन हुआ, जो फोर्थ टाइम रिडक्शन हो रहा है, स्पीड रिडक्शन, ठीक है। उसके बाद इस गियर से आपका मेन मोटर का जो गियर है उसमें फाइव टाइम, मतलब ये देखिए पहली बार, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और इससे मेन मोटर पे फिफ्थ, पांच तो बार गियर रिडक्शन हुआ। और ये वाला जो था, ये वाला एक बूस्ट था इधर पे, तो ये इधर पे था, तो इसको मैं थोड़ा दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये देखिए ये मेन आपका जो ये शाफ्ट का गियर, ठीक है। ये एक्चुअली देखिए ऊपर नीच हो सकता है ना, तो इसके लिए ही ये वाला बूस्ट देखिए इसको पूरा स्टिफ किया जाता है ताकि ऊपर नीच ना हो। तो टोटल फाइव गियर रिडक्शन हुआ इधर पे। तो दोस्तों अभी मेन जो बात आती है कि भाई कहाँ पे इस्तेमाल करें इस मोटर को, तो दोस्तों जहाँ पे आपका स्पीड एकदम कम चाहिए आपको, ठीक है, क्योंकि 10 RPM मतलब आप समझ रहे हो कि एक बार रोटेट कर रहा है मोटर, मीन्स एक बार रिवोल्यूशन के लिए 6 सेकेंड टाइम लेगा, 6 सेकेंड। तो जहाँ पे आपको RPM एकदम कम चाहिए एंड लोड बहुत ज़्यादा है आपका, 20 kg, 30 kg, 40 kg, 50 kg, 60 kg लोड बहुत ज़्यादा है, मगर स्पीड एकदम कम चाहिए, उसमें दोस्तों ये वाला मोटर हो जाएगा सबसे बेस्ट। क्योंकि इस मोटर पे आपका मैक्सिमम टॉर्क 85 kg तक आपको मिलेगा एंड 12 वोल्ट पे एंड 10 RPM। तो दोस्तों इसको अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा वोल्ट पे भी इस्तेमाल कर सकते हो, लाइक आपका 15-18 वोल्ट एंड मैक्सिमम 24 वोल्ट का ये मोटर झेल सकता है। एंड दोस्तों अगर आपको ये मोटर परचेस करना है तो मैं दोस्तों वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पूरा लिंक दे दूंगा, एंड इसके साथ जो आपका एडाप्टर, स्पीड कंट्रोलर, जो जो इसके साथ कंपेटेबल होगा उसका भी मैं लिंक सभी दे दूंगा, तो आप अगर चाहो तो उधर पे जाके इजीली परचेस भी कर सकते हो आइटम को। एंड दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आप लोग जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को देखना है तो। बहुत जल्दी मैं नया एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा। और दोस्तों कमेंट करके बोलना कि कैसा लगा ये वीडियो, और अगर इस टाइप का और ज़्यादा अनबॉक्सिंग आप लोग देखना चाहते हो, डिफरेंट डिफरेंट RPM का गियर मोटर, डिफरेंट टाइप का शेप का गियर मोटर, तो जरूर से कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा जितना हो सके इन सब मोटर के बारे में आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाना, ठीक है। तो बहुत जल्दी मिलता हूँ नया एक्साइटिंग वीडियो के साथ, बाय बाय।